कल सिलेक्शन के बारे में हमने देखा था आज वही ऑप्शन मजीद आगे देखते हैं हम, शॉर्टकट भी देखते हैं और इससे आगे मॉर्क्यू टूल के अलावा हमारे पास तीन ऑप्शन और हैं। मॉर्क्यू टूल से तो पता है आपको सिलेक्शन होती है ना, लेकिन रेक्टेंगल शेप की तरह होती है सिर्फ। इसी में अगर हम चाहते हैं सर्कल टाइप को शेप बनाना चाहते वो हमें मॉर्क्यू टूल के जरिए मिल जाएगी। फिर दो ऑप्शन और है हमारे कि हम एक पिक्सल को किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक्सल तो आप लोगों ने देखे है कभी नहीं, बहुत छोटा होता है, ठीक है, वो भी हम लोग देखते हैं तस्वीर के ऊपर। तो पिक्सल को किस तरह आप सिलेक्ट करते हो वो भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये तस्वीर है, जैसे जेड से जूम करते हम यहाँ पे आप देखें तो ये देख रहे बॉक्स बने हुए हैं, फुल जूम है। ये जो बॉक्स एक बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, जो ये होता है पिक्सल। ठीक है, इनकी सिलेक्शन कैसे की जाएगी? अगर देखें हम ज़्यादा डीप में जूम करके इसके सिलेक्शन करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और एक मेथड भी नहीं इस तरह सिलेक्शन करने की। तो इस तरह कुछ डिज़ाइन हम बना सकते हैं, वो भी मॉर्क्यू टूल में हमारे पास ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे जब मॉर्क्यू टूल पे हम एम प्रेस करते या फिर हम मैं कर्सर लेकर आता हूँ, राइट क्लिक जब मैं करता हूँ, राइट क्लिक करने पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल मॉर्क्यू टूल हमारे पास। नीचे जो हमारे पास है थर्ड और ये सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इन तीनों से क्या किस तरह यूज हम करते हैं इन्हें। सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास इलेप्टिकल का, ठीक है, इलेप्टिकल पे क्लिक कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप शॉर्टकट के जरिए आप करना चाहते हो सिलेक्शन टूल्स की, अब जैसे कि एम प्रेस करते हम मॉर्क्यू टूल आता है, ठीक है, मॉर्क्यू टूल में चार ऑप्शन हमारे पास हो रहे हैं, तो आप शिफ्ट होल्ड करके जब एम प्रेस करोगे यहाँ पे वन बाय वन चेंज होता जाएगा। ठीक है, शिफ्ट आपने सिर्फ होल्ड करना है कि हर प्रॉपर्टी के ऊपर ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पे। अब रेक्टेंगल एक शेप जब मैं ये बना लेता हूँ, ये हमने एक फिल करना है कोई कलर, ठीक है, इसी तरह ये सिलेक्शन में लेयर पे बना लूँगा, सिलेक्ट कर लेंगे हो जाएगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये शेप डुप्लीकेट मुझे यहाँ पे भी चाहिए, मतलब कि एक ही लेयर पे मैं डबल काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक सिलेक्शन यहाँ पे भी बनानी है। मॉर्क्यू टूल सिलेक्टेड है, जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ तो वो ऊपर वाले सिलेक्शन जो है वो हो रही है डीसेलेक्ट। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जो ऐड टू सिलेक्शन का, ठीक है, या फिर आप इसे शिफ्ट होल्ड करोगे तो ये शिफ्ट होल्ड करने से हमारे पास सिलेक्शन आ जाएगी ऐड टू सिलेक्शन होने के लिए। तो जैसे ये इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए सर्कल के कर्सर के पास आप देखिए ये जो प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है, मतलब इसका ये हो जाता है कि ऐड टू सिलेक्शन हो रही है इसमें। अब चाहे आप जितनी भी सिलेक्शन करना चाहते हो, ठीक है, अब देखिए डबल हो चुकी है, फिर आप थर्ड भी लेना चाह रहे हो या फोर्थ भी लेना चाह रहे हो इस तरह। अब ये एक लेयर बना हुआ है, अगर मैं इसे फिल करूँगा ये एक ही लेयर पर ये चार हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएंगे, फिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उससे ऑप्शन हमारे पास है सबट्रैक्ट का। सबट्रैक का पता होगा, ठीक है, कोई चीज़ से माइनस करना जी, तो सबट्रैक जब हम लेते हैं, अब देखिए ये एरिया वो हो जाएगा जो मैं यहाँ पे रखना नहीं चाहता, सबट्रैक कर रहा हूँ, इस पर जैसे क्लिक करूँगा ये हो जाएगा सबट्रैक। ठीक है, उससे बाद ऑप्शन है हमारे पास इंटरसेक्ट का, मतलब के मल्टीप्लाई, ठीक है, इस पर जब हम प्रेस करते हैं अब यहाँ से वो एरिया बन जाएगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा जो बाहर है, जो अभी मैं न्यू सिलेक्शन कर रहा हूँ सिर्फ यही रह जाएगा। तो ये इस तरह अप्लाई हो जाता है, मतलब कभी इस तरह होता है कि सिलेक्शन आपकी ये देख रहे ये बॉक्स थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो आप इसको चाहते हो बिल्कुल फिक्स हो जाए, ये एरिया मैं चाहता हूँ फिक्स करने के लिए, तो इस तरह कर देंगे दोनों जो इसके शेप है वो फिक्स बराबर हो चुके हैं, एक डिज़ाइन का हो चुके हैं इस तरह। इनका शॉर्टकट आप पहले का हमने देखा था, शिफ्ट यूज़ करते हो, शिफ्ट के साथ जब आप आल्ट प्रेस कर दोगे वही आगे चला जाएगा नेक्स्ट, जैसे कि ये ऑप्शन सबट्रैक का ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, देखिए शिफ्ट होल्ड की मैंने, ये अप्लाई हो जाता है, इससे ये होता है कि आपने ऐड टू सिलेक्शन कर ली, शिफ्ट जैसे मैं छोड़ दूंगा वो वापस आ जाएगा नॉर्मल डिजाइन पे, देख रहे हैं इस तरह वापस आ गया, मुझे जरूरत नहीं वहां पे क्लिक करने की, इस तरह शिफ्ट होल्ड करने से आ जाएगा, जब आल्ट प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है,
और अल्ट सिर्फ अल्ट प्रेस करेंगे तो ये जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वहां पे चला जाएगा, ये इसकी शॉर्टकट है। अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते, आप प्रेस करके होल्ड करके रखोगे तो ये इनेबल होगा। अब जैसे कि हमारे पास माइनस का है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे माइनस कर दूँ इतने एरिया, और मैं फिर चाहता हूँ कि दोबारा मेरे पास ऐड टू सिलेक्शन आ जाए, दोबारा सिलेक्शन बनाना चाहूँगा, तो सिंपल मुझे आल्ट प्रेस यहाँ पे प्रेस नहीं करूँगा, आल्ट जो बटन मैंने होल्ड किया हुआ है वो छोड़ दूंगा, ठीक है, वापस नॉर्मल पे ही आ जाती है इस तरह। अच्छा, ये सिलेक्शन वगैरह तो हमने देख ली थी फिल करना, इसके बाद ऑप्शन है हमारे पास डिलीट का। अब ये सिलेक्शन जब हम कर लेते हैं तो इसके बाद कोई भी तस्वीर पे जब हम सिलेक्शन करें वो एरिया भी हम डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये फोटो है, ठीक है, तस्वीर है मोर रेक्टेंगल, जैसे कि ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप है मोर, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये एरिया डिलीट करना चाहता हूँ, मैं उतना एरिया सिलेक्ट कर लूंगा इस तरह, ठीक है, टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, और इसको आप अगर आप मूव करते हो, ठीक है, मूव भी कर सकते हो। मूव कैसे के लिए करोगे, एरो जो की है हमारे पास कीबोर्ड में, ठीक है, उसके जरिए हो जाएगा। ये मैंने होल्ड किया हुआ एरो की, अभी देख रहे काफ़ी ऊपर चला गया, ये एक प्रेस एक दफ़ा दबा तो ये नीचे चला जाएगा सर, ये देखिए। तो ये एरो की मदद से आप ऊपर नीचे कर सकते हो सिलेक्शन को। अब देखो ये जो एरिया, ये फोटो एक, मैं चाहता हूँ ये एरिया, अब मैं यहाँ पे कलर फिल नहीं करूँगा, मैं सिंपल डिलीट दबा देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि जो एरिया ये सिलेक्टेड फोटो पे सिलेक्टेड वो डिलीट हो जाएगा। अब देखिए फिल का ऑप्शन आ रहा है, ये क्यों फिल का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड जो है लॉक हुआ हुआ है, वो देख रहे हैं लॉक्ड बना हुआ है यहाँ पे, इसे अनलॉक कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे डिलीट दबा देता हूँ तो वो देखिए जो सिलेक्ट किया हुआ था एरिया वो डिलीट हो जाते हैं सारा, ठीक है। जैसे कि देखिए सबसे ऊपर हमारे पास है जो ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, इतने इतने टैब ऑरेंज और ये ग्रे कलर का, ये मैं इससे डिलीट करना चाहता हूँ। सिंपल देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, रेक्टेंगल मोरकेट हो, आप यहाँ से इस तरह सिलेक्शन करके सिलेक्शन कर लोगे। अब देख रहे पर्पल कलर की लाइन आ रही, इसका मतलब बिल्कुल फिक्स ये सिलेक्शन हो रही है, दोनों साइड से इक्वल है ये, तो इस तरह हम करके डिलीट दबा देंगे। डिलीट करने से पहले बैकग्राउंड को हम लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, लॉक जो लगा होता है वो अनलॉक कर लेंगे, अब डिलीट कर देंगे, ठीक है, ये इस तरह डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडू हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा कुछ चाहता हूँ कि ये जो इतनी शेप मैंने सिलेक्ट की, ये मैं चाहता हूँ कट होकर अलग लेयर में आ जाए, एक अलग लेयर बन जाए इसका, सिर्फ इतने एरिए का। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल शिफ्ट जे, ठीक है, इस पर जैसे प्रेस करूँगा आप देखिए लेयर वन जो है ऑटोमेटिक खुद बन जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये लेयर को मैं हाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो लेयर उस दूसरे लेयर पे आ गया था। हाइड करके हम देख लेते हैं ये अलग अलग लेयर इस तरह बन गए। ये वन लेयर जो लिखा हुआ है ऊपर वाले हिस्से पे बन चुका है और नीचे वाले हिस्से पे जो हमने जिससे कटिंग की थी। अब देखो ये सिलेक्शन कर लिए, लेकिन मैं अभी ये चाहता हूँ ये एरिया जो सिलेक्ट किया हुआ है ये डुप्लीकेट हो जाए। डुप्लीकेट मतलब यहाँ इस लेयर पे भी ऐसे के ऐसे ही रहे तस्वीर, लेकिन ये जो सिलेक्टेड है ये एक न्यू लेयर पे बनकर आ जाए डुप्लीकेट। तो उसके लिए सिंपल कंट्रोल जे दबाऊंगा, ठीक है। अब देखिए लेयर दो बन चुके हैं, यहाँ पे लेयर वन लिखा हुआ है, इसे मैं अगर हाइड भी कर दूँ यहाँ पे कुछ भी हाइड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे भी है, एक न्यू लेयर पे भी हमने ये बना दिया था ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, सारा डुप्लीकेट भी हो जाता है। यही ऑप्शन जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा था, ये आप राइट क्लिक करते हो, आप यहाँ पे देखिए लेयर वी आई ए कॉपी लिखा हुआ और कट लिखा हुआ, ये दो ऑप्शन वही है जो अभी मैंने शॉर्टकट बताया। कॉपी का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल जे, और कट का है कंट्रोल शिफ्ट जे, ठीक है। अब देखिए पिक्सल की बात करें तो यहाँ पे हम मोरक्यू टूल में आते हैं तो दो ऑप्शन है हमारे पास, सिंगल रो मोरक्यू टूल और सिंगल कॉलम मोरक्यू टूल। रो और कॉलम तो पता होगा क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास रो है, रो पे मतलब कि ये रो मुताबिक जैसे कि एक रो टाइप होता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में ये सिलेक्टेड होंगे सिर्फ पिक्सल। अब जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक मैंने क्लिक किया यहाँ पे, देख रहे सिलेक्शन हुई आ रही है, लेकिन कितनी छोटी सी आ रही है एक ही क्लिक पे। अगर मैं इसको जूम करता हूँ देख रहे एक एक पिक्सल इसने सिलेक्ट कर लिया। ये भी ऑप्शन हमें ज़रूरत होती है, कभी काम में आता है, इसलिए तो इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, आगे जब हम कोई फ़ोटो एडिटिंग करेंगे तो इस पर काम होगा। और इसी तरह अगर देखिए इस तरह के कुछ डिज़ाइन है, यहाँ से मुझे ये क्रॉप कर देना तो सिंपल मैं डिलीट कर दूंगा।